चलो नाउ पे अटेंशन, इकोनॉमिक्स के साथ साथ आप लोगों के, अब मैं अकाउंट्स का सेशन जो ले रहा हूँ वो रीजन क्या पता है, यहाँ पे हम थियोरी में चल रहे हैं, और एक साथ अगर मैं थियोरी लेता ना तो हो सकता पहली बात आपको शायद समझता ही नहीं, और समझ में भी आ जाता तो फिर बाद में याद नहीं रहता करके, इसलिए हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। टोटल 13 कंसेप्ट है, और मैंने कहा फर्स्ट ईयर बीकॉम में तो ये सेम कंसेप्ट है करके, और आज मुझे आपको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बतानी है, लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह मैं आपको रिविजन दूंगा, रिविजन में आप मुझे कुछ बातें बताओगे और फिर मैं मानूंगा कि आपको समझा था। थियोरी, प्योर थियोरी चल रहा है बॉस। हमने सबसे पहला कौन सा कंसेप्ट किया था बोलो तो? वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, बिजनेस क्या एंटिटी कंसेप्ट। एकदम शॉर्ट में बताओ ये कंसेप्ट क्या बोलते थे? ये कंसेप्ट ये बताते थे कि बिजनेस और बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, ये दोनों सेम है कि सेपरेट है? सेपरेट है। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करेंगे? बिजनेस के, और ना ही किसके, बिजनेसमैन के। इसीलिए कैपिटल और ड्रॉइंग्स जैसे कंसेप्ट हमें आते हैं देखने मिलते करके। फिर दूसरा कंसेप्ट क्या सीखा था हमने? ओके, हमने दूसरा कंसेप्ट देखा था मनी मेजरमेंट। और दोस्तों मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता था कि आपके बिजनेस में जो भी असेट्स है, ये मत बोलना मेरे 10 घर है। अगर आपको पूछा कि आप कितने वेल्दी हो, आपका वेल्थ कितना है, तो आप इन टर्म्स ऑफ क्या बोलोगे, मनी या रुपीज, इन टर्म्स ऑफ रुपीज आप बात करोगे। ये कंसेप्ट कौन कहता था? मनी मेजर, दैट्स ऑल। इतना भी याद आया तो भी बहुत है, ठीक है। फिर क्या था बेटा? वेरी गुड, आपका नेक्स्ट हमने देखा था कॉस्ट कंसेप्ट। क्या होता है कॉस्ट कंसेप्ट बोलो तो? जिस चीज पे, जिस प्राइस पे आप असेट को एक्वायर कर रहे हो, ठीक है, उसी कॉस्ट पे बैलेंस शीट में क्या होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। मतलब अगर मैंने मार्कर 10,000 रुपए में खरीदा है और बाद में मेरे खरीदने के बाद इसका प्राइस 50,000 हो गया, 10 रुपया हो गया, मुझे उससे लेना देना नहीं। कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि आपने जिस प्राइस पे असेट को एक्वायर किया, खरीदा, उसी प्राइस पे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। वहां पे एक्विजिशन कॉस्ट करके चीज थी। ओके, फिर चौथा क्या सीखा था? वेरी गुड बेटा, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। व्हाट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बेटा? कि एक बार आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना चालू किया, बार बार उसे बदलने का नहीं, आप उसके साथ कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। एंड कल जो हमने पढ़ा था, आज नया पढ़ने से पहले हम लोग शुरू करेंगे, दैट इज व्हाट, नाम ही याद करने को बहुत लफड़ा होता है, क्या बेटा, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। क्या होती है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट? क्या हमने रिकॉर्ड करना चाहिए और क्या हमने रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए? वेरी गुड, यहाँ पे हमेशा एक वर्ड आएगा, दैट इज, एक तो आप ये बोल सकते हो एंटीसिपेटेड, नहीं तो आप ये बोल सकते हो एस्टिमेटेड। हिंदी में इसका मतलब बताऊं तो अंदाजा, आप अंदाजा लगा रहे हो, एंटीसिपेट कर रहे हो, एस्टिमेट कर रहे हो, बारिश आ सकती है, दिस इज एस्टिमेशन। आएगी नहीं आपको पता नहीं। दोस्तों बिजनेस में भी वैसे एस्टिमेशन होते हैं, अंदाजे होते हैं, दो चीजों को लेके आप अंदाजे लिख सकते हो, लगा सकते हो, एक लॉस, नहीं तो क्या बेटा, प्रॉफिट, या तो क्या, गेन। लेकिन कौन सा अंदाजा आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे एज पर कंजर्वेटिव? एस्टिमेटेड या एंटीसिपेटेड लॉस आप बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो, एस्टिमेटेड गेन को बुक में रिकॉर्ड करने का नहीं। ये अब तक की कहानी थी, क्या आपको समझ में आ रही? ओके, कोई भी अगर पूछेगा, 11th कॉमर्स में आए हो, अकाउंट सीख रहे हो, दूसरा तीसरा, देखो मैं आपको कहूं बेटा, एक बार हम फ्लो में लग गए ना, मतलब तीसरा चौथा पांचवा छठवा चैप्टर खत्म होते जाएंगे, तुम पेपर दे जाओगे, जिंदगी आगे बढ़ते जाएगी। बोलते बोलते 3-4 महीने में हमारा 11th स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा, और तुम लोग को तुम्हारा जो भी साइड बाय साइड करियर रहेगा, अग्री, लेकिन तुम कॉमर्स में आए हो, तुम्हें टॉप तो रहना पड़ेगा। ओके, ऐसे तो नहीं कि हम मंदे बीच लेने के लिए ले लिया, कुछ भी नहीं करेंगे, बहुत कुछ करना है हमें आगे। और मैं तुम्हें पढ़ाई ऐसे रहा हूं कि तुम सीएल लेवल की पढ़ाई करो, मैं ऐसे नॉर्मल 11th स्टैंडर्ड नहीं तो इतना डिटेल में जाता ही नहीं, रैदर मैं ये चीज पढ़ाता ही नहीं। मैं बोलता बेटा थियरी है, जैसे स्कूल में पढ़ते थे वैसे पढ़ के आओ, डाउट्स हो तो पूछ लो, क्या डाउट्स आएंगे तुम्हें, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, तुम नॉवेल की तरह पढ़ोगे, अच्छा रहेगा, रट लोगे। इसीलिए ना हर चीज समझो, थोड़ा टाइम लगा, हमारे 10वां लेक्चर है, 9वां 10वां लेक्चर है आज का, जिसमें हम लोग पहले चैप्टर में आराम से जा रहे हैं,
और मैं मान के चलता हूँ कि आपको चीजें समझ रही है, एटलीस्ट उतना डिटेल में आप बाद में कनेक्शन लगा लोगे, जब मैं आगे जाऊंगा ना तुम्हें वापस पहले चैप्टर पे लेके आऊंगा और कुछ चीजें कनेक्ट कराऊंगा, तो तब तुम बोलोगे हाँ सर अब हमें समझ में आ रहा है। तो हर चीज का लॉजिक है, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान दो बॉस, आज हम नई कंसेप्ट पे जाने वाले हैं और जिसका नाम है गोइंग कंसर्न, और ये एक अजम्पशन है। ओके अब मैं आपको बताता हूं अजम्पशन क्या है, पहले आप समझना कुछ प्रैक्टिकल बातों के साथ। दोस्तों आज आपका जो भी एज रहेगा, ठीक है, आज आप 16 17 18 इतना तो नहीं यार, 15 16 17 के बीच में ही रहोगे जो भी है, मुझे बताना। यहाँ पे बोर्ड पे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बोर्ड पे देखते रहना क्योंकि यहाँ पे सवाल आएगा। आपका एज इतना हो सकता है क्या, वो छोड़ो इतना भी हो सकता है क्या? हमको तो लगता है इतना भी नहीं रहेगा सर हमारा, है ना, कैसे जिएंगे इतना पकड़े क्या? बोले इतना तो पकड़ ही लो सर, बुड्ढे बुड्ढे हो गए तो हमको तो इधर तक ही कुछ तो दाग दुख लग रहा है। लेकिन तो अभी हम ऑलरेडी कितना हो गए, मतलब हम लोग जिंदगी के 20 साल जी चुके हैं, बचे कितने हैं इधर इधर का सोचे तो 30, उसमें भी 5 साल पढ़ने वाले हैं, तो बच कितने जाएंगे 25। ऐसा होता तो कि अगर तुम 11वीं में अच्छा परसेंट लाओ तो इधर 10 साल जिंदगी बढ़ा देंगे आगे और बुड्ढे नहीं हो गए, तो हर बच्चा कुछ मिलता तो पढ़ता ना। अब ये कि भाई मोह, अभी ये जो मैं बातें बोलता ना तो कभी कभी ऐसा लगता है यार, बच्चे बोलते हैं यार सच में मोह माया है सर, क्यों कर रहे हैं हम लोग इतना, है ना, ऐसा सच में लगता है। अब देखो मेरे को बताओ बेटा, जिंदगी के 20 कट चुके हैं और इधर 60 भी पकड़ो तो रहे 40, हम तो मरने वाले सब, फिर ये सब क्यों कर रहे हैं? कोई अमर है क्या? तुम रात को सोते हो क्या गारंटी कल उठोगे, है ना, सोने के बाद तो सुबह कुछ ऐसे नींद खुलने के बाद समझते क्लास को जाने के 8 बजे क्लास है ना, एक तो कहाँ पे क्लास आ गया, और जो भी बच्चे 6-7 बजे उठ जाते होंगे। अब मुझे बताओ, लेकिन आप अजम्पशन लेके चलते हो, अजम्पशन लेके क्या चलते हो कि आप, अरे भाई कुछ कुछ लोग तो 25 में भी उठ जाते हैं, आजकल तो ऐसे खेलते खेलते उठ जा रहे लोग, हार्ट अटैक आ रहा पता नहीं। तो लेकिन आपने कभी मौत का डर नहीं रखा, आपने कभी सोचा ही नहीं मरने के बारे में, आप लोग क्या अजम्पशन लेके चल रहे हो? हम तो भाई अगला बर्थडे करेंगे, उसके बाद अगला बर्थडे करेंगे, जिंदा तो रहने ही वाले। सर जिस तरह इंसान मरना तो फिक्स है, लेकिन हम लोग वो डर नहीं पालते, और वो डर नहीं इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे ताकि हमें अपना फ्यूचर संवारना है। आप बोलोगे सर 25 तक अगर हम सेटल हो गए ना, चलो जितनी भी जिंदगी बची है 35 साल अच्छा अगर सीख लिया तो हमें भीख मांग के या फिर गैरों की तरह हाथ ऐसे बेगिंग करके जीना नहीं पड़ेगा, अपने दम पे अच्छे से जिएंगे। यस और नो? जितना जीना है, बोलते ना गर्व से जीना, ऐसे वाली बात है भाई। अब पॉइंट क्या है, मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, ये कनेक्शन क्या है, ऐसे ही कंपनी का भी होता है। कंपनी जो बनती है ना, हम लोग ये मानते कि कभी भी बंद होगी नहीं, वो हमेशा क्या रहेगी बेटा, चलते रहेगी, और उसे ही कौन सा कंसेप्ट कहा जाता है, बोलो गोइंग कंसेप्ट, दैट्स ऑल, कंसेप्ट यही है कि कोई भी कंपनी बनेगी वो कभी भी बंद होगी नहीं, हमारा क्या रहेगा, अजम्पशन। लेकिन ऐसे होगा क्या, कंपनी बंद नहीं हो सकती? तुम्हें बाद में पूछते मुझे, मैं अगर बोलता ना बेटा कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन में हम ये सीखेंगे कि कोई भी कंपनी बनेगी वो कभी बंद ही नहीं होगी, तो तुम मुझे एग्जांपल देते सर हमारे पहचान में न्यूज में हमने देखा था कि ये कंपनी बंद होगी, फिर तुम्हें काहे को बता रहे हो? तो वैसे ही इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि इंसान तो मरने वाला है, लेकिन हम लोग ये अजम्पशन के साथ जीते कि यार चलो एक 10 साल तो जीने वाले हो। अब यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाता हूँ तुम्हें, देखो व्हाट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, एक ही करेंगे लगता है तो, सी इतने लाइन है दोस्तों ये, और आपको यहाँ पे कुछ वर्ड देखने मिलेंगे, क्या वर्ड देखने मिलेंगे, देखो ये गोइंग कंसर्न है आपके सामने आ रहा है, अरे भाई क्या हो रहा है, हाँ ये गोइंग कंसर्न है, देखो तो क्या चीज है, क्या दिख रहा है तुमको सबसे पहले, इट इज बेसिक व्हाट राजा, अजम्पशन, अजम्पशन समझता है ना, जो रियल नहीं हमने अज्यूम किया है, क्या अज्यूम किया है, दैट बिजनेस इज गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर क्या बेटा, फ्यूचर, भविष्य में उसके ऑपरेशन कंटिन्यू रहेंगे, बंद होने वाले नहीं है। Going concern concept influence accounting practice in relation to valuation of fixed asset, liability, depreciation, वगैरह वगैरह वगैरह, जो आप बर्थडे करते हो, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो आप नए नए कपड़े खरीद रहे हो, जो आपको लगता है कि बड़े बड़े बिल्डिंग होने चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, सब इधर ही रहने वाला है, लेकिन आप क्यों खरीदते हो, क्योंकि आप अज्यूम करते हो कि हम और भी जिंदा रहने वाले हैं। वैसे ही गोइंग कंसर्न ये अज्यूम करता है कि आपका बिजनेस फ्यूचर में चलेगा, इसीलिए आप अकाउंटिंग अकाउंटिंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये पढ़ो, इतना इतना तक लाइन, इधर तक पढ़ो,
ज्यादा तुमको लोड लेना नहीं है, सिर्फ बेसिक ये नाम पूछा तो कुछ तो याद आना चाहिए, तो यहां तक भी तुमने कर लिया तो भी चलेगा। गोइंग कंसर्न ये रियलिटी है कि अजम्पशन है? ये कंसेप्ट क्या है बेटा? एक अजम्पशन है जो क्या बोलता है, बिजनेस बंद हो जाएगा या कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में, बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, इतना बोलते आएगा है ना 11th 12th पे, इतना बोलते आएगा तो ही बहुत बड़ी बात है। व्हाट इज गोइंग कंसर्न? जो भी बिजनेस हम चला रहे हैं या बिजनेस के साथ हम डील कर रहे हैं, वो कम जल्दी जल्दी का वो बंद होगा नहीं, वो कंटिन्यू चलने वाला है। बाकी के टर्म्स जाने दो, वो आपको ध्यान में नहीं आएंगे। ये सीखो व्हाट इज अक्रूवल। फिर बेसिक कंसेप्ट के बाद फिर मैं सेकेंड चैप्टर पे चला जाऊंगा, इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करा के दूंगा तुम्हें एग्जाम ओरिएंटेड। फिर जब जब कनेक्शन होगा ना तब मैं चैप्टर 1 पे आऊंगा। अब चैप्टर 1 में आज और कल मैं डन करूंगा जो मुझे लग रहा है जितना बताना था। फिर जब जरूरत पड़ेगी कि हाँ यहाँ पे आना है बेटा, तब मैं आऊंगा और छोटा मोटा पार्ट कंप्लीट करूँ, लेकिन इसका एक्सरसाइज मैं आपको क्लास में करवा के दूंगा पूरा, और वो लिखवा के दूंगा, समझा के दूंगा, तो एग्जाम ओरिएंटेड आपका काम खत्म होगा। कुछ चीजें रहेगी वो टाइम के साथ आपको समझेगी, डेवलपमेंट होगा तो लेके आओगे। व्हाट इज अक्रूवल? देखो सिंपल वर्ड में बताओ, तुमने सुना रहेगा किसी दुकान पे लिखा होता है उधार बंद, बराबर। इसका मतलब वो सारा का सारा ट्रांजेक्शन कौन से बेसिस पे करेगा बेटा? कैश। वो उधार क्रेडिट, उधार मतलब इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्रेडिट। वो क्रेडिट पे देगा ही नहीं, सारा का सारा कौन सा सिस्टम रहेगा? कैश। तो जिस बुक्स में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है उसको कैश सिस्टम बोलता है। और अक्रूअल मतलब क्या? जो वर्ड आया अक्रूअल, अक्रूअल का मतलब होता है जिस बुक्स जो जो सिस्टम में जिस मेथड में कैश एज वेल एज क्या बेटा? क्रेडिट, ये दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं उससे हम लोग कौन सा सिस्टम कहते हैं बेटा? अक्रूअल। इतना याद रखना है दोस्तों, बाकी कुछ याद नहीं रखना। अब देखो यहाँ पे इसे डील कैसे करना है, आगे बहुत सारी चीजें दी आपको मैं बताऊंगा जब टाइम टू टाइम मटेरियलिटी वगैरह वगैरह सब चीजें आने वाली है। लेकिन इसके बाद एस क्या होते हैं वही बताऊंगा आपको, मैं क्या करवा के दूंगा। देखो आपको जो जरूरी था वो हो चुका है, कल आज नहीं कल मैं आपको ये पांचों के पांचों क्वेश्चन लर्न करवा के दूंगा। मैं मेरी मेरी गारंटी, मतलब यहाँ पे जैसे आपको इगो करा रहा हूँ वैसे। और पेपर में जो भी आएगा, ये 11th का जिनका कोई दूसरा बोर्ड होगा नहीं पता, स्टेट बोर्ड में तो ये देखा गया है अकाउंट्स में या कुछ सब्जेक्ट्स में तुम्हारे कॉलेज के पेपर जब बनते हैं तो क्वेश्चन डायरेक्टली कहां से लेके दिए जाते होते हैं? एक्सरसाइज। अगर ये हो गया तो बात ही खत्म। ये होने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा, देखो इसके तो कुछ बातें आपको पता भी है, जैसे मैंने उस दिन लिखवा के दी थी ये देखो, आप इसमें से कुछ चीजों को बता सकते हो बहुत आसान से। अ पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल, जिसे पैसा देना बाकी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं पता है? क्रेडिटर। इसके पहले के लेक्चर भी दूंगा मैं आपको, जो बच्चे बाद में है उनको ये समझेगा नहीं, इसलिए ये देखो एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांजेक्शन। वो भी छोड़ो, हाँ ये देखो ये 6 पर हमने किया था, अ पर्सन हुज असेट सफिशिएंट इनफ टू मीट क्या बेटा? बिजनेस ऑब्लिगेशन। मतलब असेट उतने हैं जो लाइबिलिटी पे चुका सकता है, इसे कौन सा पर्सन कहा जाएगा? सॉल्वेंट। जो व्यक्ति जो स्टूडेंट नहीं थे पहले उनको ये समझेगा जब आप लेक्चर देखोगे। तो ऐसे करके यार सारी चीजें कर रही मैं आपको, सर कल सारा लिखवा के दूंगा, सारी चीजें लर्न करवा के दूंगा। मतलब ऐसे समझो कि कल अपना जो सेशन रहेगा वो रहेगा इस पे, मतलब पूरा लर्निंग पे। और आपने घर पे जा उसके पीडीएफ भी भेजूंगा, घर पे आपने लिख के लाना। फिर इस सैटरडे को टेस्ट जो होगी वो दो चीजों पे होगी, किस पे? अकाउंट्स और इको। अकाउंट का चैप्टर 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन ओनली, और इको का भी चैप्टर 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा रुकता हूँ और ये वाले चैप्टर को, बोरिंग वाले चैप्टर को एंड करता हूँ।